हर हर महादेव। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपको अरुण की यात्रा में। दोस्तों मेरा नाम है अरुण और मैं अपनी अरुण की यात्रा के माध्यम से आप सभी को केदारनाथ की अपडेट देता हूं। फिलहाल आज मैं हूं बाबा केदारनाथ के बिल्कुल ही मंदिर के सामने। पहले तो आप बाबा के सुबह सुबह के दर्शन कीजिए। और इतना मौसम भाई प्यारा प्यारा है, ये देखो पहाड़ के ऊपर एकदम से धूप निकल चुकी है। और जो चोराबारी है इस पे तो भाई हर टाइम पे यहाँ पे बर्फबारी होती रहती है, 24 घंटा इस पे बर्फबारी होती रहती है। बाकी पहले तो आप भीमशिला के दर्शन कर लो और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलना, क्योंकि यही वो भीमशिला है जिसने मेरे बाबा केदारनाथ के मंदिर को 2013 की विपदा में बचाया था। बाकी आज का जो भीड़ है बहुत भक्तजन आए हुए हैं और जो आज का मौसम भी भाई बहुत ही प्यारा है। देखो हर तरफ भाई धूप निकल चुकी है। बाकी दोस्तों आज हमने सुना है कि यहाँ पे मुकेश अंबानी आने वाले हैं और भाई मैं तो आश्रम में था, वहाँ से तुरंत चलाया। जैसे ही पता चला भाई मुकेश अंबानी आने वाले हैं तो मैंने कहा चलो दो चार क्लिप लेंगे, उनके दर्शन भी हो जाएंगे। तो चलो आज आपको मुकेश अंबानी को भी भाई दर्शन करने को मिलेंगे। और बाकी मुकेश अंबानी जब भी यहाँ आते हैं ना तो 2-2.5-3 करोड़ यहाँ पे दान जरूर करते हैं आके। अब वो बद्री विशाल भी जाएंगे तो आज उनकी आपको दर्शन भी करने को मिलेंगे। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री केदार। और आज सुबह का जो मौसम है बहुत ही प्यारा है भाई, ये देखो। पहले तो आप बाबा नंदी के दर्शन कीजिए, ये देखो बाबा के नंदी के दर्शन कीजिए। और यहाँ पे भाई इतनी आज भीड़ आई हुई है, बहुत ही भीड़ है। बाकी देखो सभी लोग दर्शन करने के लिए लगे हुए हैं, ये देखो भाई हर हर महादेव। ये रात के 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं सभी लोग, पता है 4 बजे से। अब सुबह के 7 से 8 बज गया तब भाई लोग ये यहाँ पर आते हैं, यानी 3-4 घंटे हो गए इनके लाइन में लगे हुए हैं तब ये यहाँ तक पहुँच पाए हैं। बाकी प्रसाद लाइन बाहर से भाई देखो यहाँ पे आता है, पुलिस वाले भी लाइन में लगे हुए हैं। देखो अब कानून जो यहाँ का है वो सख्त हो गया है, क्योंकि बीच में अब बिल्कुल ही नहीं घुसने देते हैं कोई भी आए VIP। लेकिन जो VIP लोग आते हैं उनके लिए अलग से गेट है, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है जैसे जो कोई VIP नहीं वो यहाँ से जाते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप केदारनाथ आते हो तो यहाँ पे आके चंदन जरूर लगवाना, क्योंकि चंदन लगाने से आपके चेहरे पर रौनक कुछ अलग ही आती है। बाकी देखिए सभी लोग यहाँ पे चंदन लगवा रहे हैं, ये देखो भाई घंटा बजाते हैं भाई ने, ये देखिए सुबह के बाबा के केदारनाथ के दर्शन। बाकी मुकेश अंबानी आने वाले हैं तो चलो अब चलते हैं उनका वेट करते हैं। इतना पुराना बाबा केदारनाथ का मंदिर है बता भी नहीं सकते हैं भाई, कितना पुराना मंदिर है। इस मंदिर को भाई पांडव ने बनवाया था ऐसा बताया जा रहा है। बाकी सभी लोग लाइन में लगे। हर हर महादेव भैया, आपने रात में हेल्प की थी ना मेरी। देखो भाई ने मुझे पैसे चेंज करने हेल्प की, भैया को मैंने नेपाल का नोट दिया था। भैया कितने बजे से लाइन में लगे हैं आप? 3 बजे से, रात में 3 बजे से। ओ भाई बहुत ही मेहनत कर रहे हो, बाबा आपकी जरूर सुनेंगे यार। कब आज कल आए हो ना? देखो भाई 3 बजे से भैया लाइन में लगे हैं तो लगभग 7-7:30 बज गया तो अब आ पाए हैं। बाकी देखो प्रसाद भी आपको भाई मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये इतना अच्छा अच्छा प्रसाद है भैया। 100 रुपये का प्रसाद है यहाँ पे? अच्छा अच्छा ये 100 रुपये का है, ये 100 वाला है, ये 100 वाला है। और ये कितने का है? ये 200 वाला है, गमछा का 250 आएगा, माला वाली 500 का। और ये जल? ये जल 80 रुपये का है, ये वाली 50 रुपये का है, ये वाली 30 रुपये की। अच्छा ये 30 रुपये का है। चलो भाई जब दर्शन करने जाएंगे ना जरूर लेके जाएंगे आपके पास। भाई का दिल, भाई ने दिल जीत लिया। भैया आप कितने बजे से लगे हैं लाइन में? 3:30 बजे से। 3:30 बजे से भाई बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही थी तो कम्बल साथ में लेके आए होते ना? आए थे लेकिन पता नहीं पड़ा यहाँ पर मंदिर हमने का। और आप तो जैकेट भी नहीं पहनते हो यार, तो गर्म ही है अंदर, 2-3 कपड़े पहने। अरे इसमें ना माइनस में यार टेम्परेचर रहता है पता है, ये इतने कपड़े पहने हुए इनमें भी मुझे ठंडी लग रही है। और ये थोड़ा सा भाई पहने यार,
अरे यार क्या बात करी, यहाँ ठंडी नहीं होगी। चलो भाई फैशन के चक्कर में आप ठंडे हो गए। हर हर महादेव, रात के लोग यहाँ पे 3-3 बजे के लगे हैं और सुबह 7 से 8 बजे जा रहे हैं, तो अभी भी दर्शन नहीं हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं हेलीपैड की ओर, क्योंकि उसी ओर भाई मुकेश अंबानी आने को हैं, तो उनपे भी आपको दर्शन कराएंगे। हर हर महादेव। सो गाइज, फाइनली में मुकेश अंबानी आ चुके हैं, तो आपको मैं कराता हूँ उनके हेलीकॉप्टर के दर्शन। ये देखो भाई, VIP हेलीकॉप्टर जा रहा है, ये देखिए। जो VIP लोग होते हैं वो मंदिर के पीछे उतरते हैं, और सिविलियन होते हैं वो उधर उतरते हैं। वो भी भाई आज देखो, वो भी आर्मी का आया है मुझे लगता है। ये देखिए उतर गया भाई, उतर गया। हर हर महादेव दोस्तों। तो फाइनली देख सकती हैं आप कि मुकेश अंबानी पहुंच चुके हैं अपने हेलीकॉप्टर से, अपने VIP सिक्योरिटी के साथ, और अभी वो नीचे उतर रहे हैं। और उनके सामने उनकी सिक्योरिटी, यहाँ की उत्तराखंड की पुलिस भी है, और भाई यहाँ की आर्मी भी है साथ में, बहुत ही सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं। बाकी आप देख ही सकते हैं पीछे जो जहाँ इनका हेलीकॉप्टर उतरा है वहाँ से पैदल आ रहे हैं, और यहाँ के जो समिति के जो लोग हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं फूलों से, आप देख सकते हैं। बाकी ये वही उद्योगपति हैं जो 2015 से यहाँ पे आ रहे हैं लगातार। ऐसी तो भाई बहुत ही कम हमने देखे हैं जो इतने बड़े बड़े लोग हैं जो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। वैसे तो बद्रीनाथ भी जाते हैं और हर तरफ जाते हैं, लेकिन जो केदारनाथ की इनकी जो लगाव है वो कुछ अलग है। तो अब मैं आपको इनके दर्शन कराऊंगा, जो कि अभी ये श्री केदारनाथ के दर्शन करने वाले हैं, जो यहाँ का समिति हैं वो इनको अपने माला अर्पण कर रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं कि अगले साल भी आना और हर साल आना। जो इनके साथ जो इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं वो साथ में रहते हैं, और यहाँ के जितने भी हैं वो सब रुद्राक्ष देके इनका स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों आगे तो हम जा नहीं सकते हैं, बहुत दूर से हम जूम करके वीडियो बना रहे हैं। बाकी दोस्तों जब शिल्पा शेट्टी आती है तब भी वो यहीं से उतरती हैं, और मुकेश अंबानी भी आए हैं वो भी यहीं से उतरने हैं। इन्हें देखने के लिए बहुत लोग भाई केदारनाथ से आ चुके हैं, जितने भी श्रद्धालु लोग आए हैं सब आ चुके हैं। बाकी ये अभी धीरे धीरे मंदिर की ओर जा रहे हैं, और भाई यहाँ के जो कमांडो और जो पुलिस अफसर हैं वो सब इनके सिक्योरिटी गार्ड में चलते हैं, क्योंकि भाई ये अरबपति नहीं खरबपति, ये भाई इंसान है, इसकी कोई बराबरी नहीं है। क्योंकि ये जब भी केदारनाथ में आता है इतना बड़ा दान देके भाई जाता है, क्या बताएं। दोस्तों अभी मुकेश अंबानी मंदिर के परिसर के अंदर जा चुके हैं, और यहाँ के जो आर्मी वाले हैं वो आगे हैं, और जो उनकी सिक्योरिटी है वो पीछे है, और अभी बस जस्ट ये मंदिर के अंदर जाने वाले हैं। और यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी लगा दी गई कि इनके पास परिंदा भी पैर नहीं मार सकता बिना इनके लोगों के अलावा और इनके सिक्योरिटी के अलावा। तो आप देख सकते हैं कि इनके बाबा केदारनाथ के दर्शन करके वो बाहर निकल चुके हैं, और इतना भाई सुंदर नज़ारा है क्या बताएं। यहाँ पे हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जो यहाँ के जो प्रवक्ता हैं वो इनको भाई माला दे के अर्पण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। बाकी बाबा केदारनाथ इन पे हर वक्त अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि जब भी ये आते हैं तो यहाँ पे इतना बड़ा दान दे के जाते हैं, बहुत ही बड़ा। हमने सुना है कि भाई यहाँ पे ये हर साल 2.5 करोड़ रुपए का दान दे के जाते हैं, लेकिन अभी मुझे रियलिटी तो पता है नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि ये 2.5 करोड़ रुपए दान दे के जाते हैं। बाकी अभी ये दर्शन इनके हो चुके हैं, अभी ये थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। बाकी दोस्तों जब ये निकलेंगे हम उसका भी वीडियो आगे डालेंगे, आप देखते रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए तो वीडियो को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों केदारनाथ में बाबा के दर्शन करने के लिए आने के बाद अब ये जाने वाले हैं सीधे बद्री विशाल, यानी बद्री विशाल के दर्शन करेंगे जाके, उसके बाद में फिर ये अपने बॉम्बे घर चले जाएंगे, और अभी यहाँ से जा रहे हैं, और क्या बताएं कितना सुंदर नज़ारा है। सो गाइज आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर अभी जा रहा है, ये देखिए। चले गए भाई मुकेश अंबानी, चले गए। सो गाइज फाइनली में मुकेश अंबानी तो भाई चले गए अपनी हेलीकॉप्टर से उड़ के, और भाई सुनने में आ रहा वो यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए दान करके गए हैं, और बद्री विशाल में भी 2.5 करोड़ रुपए वहाँ वो दान करेंगे जाके, इतने बता रहे हैं। हर साल आते हैं वो 5 करोड़ 2.5 करोड़ यहाँ के लिए, और 2.5 करोड़ जो कि बद्री विशाल के लिए दान करते हैं, ऐसे यहाँ सुनने में आ रहा है। बाकी अभी वो निकल गए सीधे बद्री विशाल के लिए, और आज ठंडी बहुत है, बाकी आप सुबह के बाबा के दर्शन कर ही सकते हैं।
बाकी दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और ठंडी बहुत है। बाकी अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि आपके पास केदारनाथ की पल पल की अपडेट आती रहे। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए हर हर महादेव।